सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए चैनल पर। अब तुम में से बहुत लोग पूछेंगे, भाई क्या करते जा रहे हो, इतने चैनल क्यों खोल रहे हो, क्या करके मानोगे? तो बस भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडिटर्स पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं। मजा कर रहा हूँ। तो हमारा एक चैनल है रचित सिंह, जहाँ पर डालते हैं हम एंटरटेनिंग वीडियोस। अब उनको मैं ट्यूटोरियल्स नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर जनता एंटरटेन होने आती है और वहां पर उसी हिसाब से वीडियोस बनाई जाती है। बट हमारे पास आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं एडिटिंग, ट्यूटोरियल्स, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, पता नहीं क्या क्या। तो उन सब के लिए हम ये नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आएंगे ट्यूटोरियल्स। वैसे सिर्फ ट्यूटोरियल्स नहीं, बहुत कुछ आएगा। जैसे हम रील्स के ट्यूटोरियल्स डालेंगे और साथ साथ कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस या फिर मूवीज से इफेक्ट या फिर कहीं से कोई इफेक्ट ट्रेंडिंग चल रहा होगा तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर वीडियो बना दिया करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सारी रॉ वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं और तुम बात कर सकेंगे, थंबनेल एडिट करते हुए लाइव स्ट्रीम करेंगे, मैं कैसे थंबनेल बनाता हूं। हम यहाँ पर कोई भी ट्रेंडिंग न्यू इफेक्ट आएगा उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर प्रीमियर का कोर्स। तो भैया जो लोग सीखना चाहते हैं वो सुबह 9:30 इस चैनल पे पहुंच जाना, सब्सक्राइब कर देना। तो जिस भाई को भी हमारे साथ जुड़ना हो 9:30 पहुंच जाना। तो ये बातें तो होती रहेंगी भैया, अभी के लिए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पर, जो कि है जैक किंग का मोस्ट फेमस क्लॉथ चेंजिंग इफेक्ट। ये तो मैं कलर चेंज कर रहा था, इसका भी ट्यूटोरियल डालेंगे, बट आज हम सीखेंगे ये। कैसा लगा, मजा आया? आओ ये मजा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना प्रीमियर प्रो। हाँ, आज के लिए हम इस ट्यूटोरियल को प्रीमियर प्रो में एडिट करेंगे, और कभी कभी मुझे लगा कोई अच्छा इफेक्ट है उसे फोन में भी एडिट कर लिया करेंगे तुम्हारे लिए। तो सबसे पहला इफेक्ट है ये। अब इस इफेक्ट को शूट कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर शूट किया है, इस वीडियो को प्ले करते हैं, तुम सीखते जाना, पॉइंट्स मैं बताता रहूंगा। अब इसमें होंगी तुम्हारी दो क्लिप शूट। सबसे पहली में तुम्हें ऐसे करना है कुछ, ये देखिए जैसे मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पर। हाँ मैं अजीब अजीब चेहरे बनाता रहूंगा वीडियो में, बट यहाँ पर हम रॉ हैं तो बिल्कुल रॉ बातें करेंगे, और ये वीडियो भी हमने रॉ में शूट किया है। तो सबसे पहले तुम्हें करना है ये, स्लो करके दिखाया मैंने, फास्ट करना है लेकिन आपको। तो हम प्रेस करेंगे सी रेजर टूल के लिए, यहाँ पर कट लगाएंगे और हम जाएंगे थोड़ा आगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। इसके बाद तुम्हें उसी पोजीशन पे खड़े रहना है, पैर बिल्कुल नहीं हिलाने हैं, फिर इस तरह से तुम्हें हुडी उतार देनी है एंड दूसरी हुडी पहन लेनी है। एंड नाउ पुरानी हुडी को अपनी ऐसे चेस्ट पे लगा लेना है तुमको। जब मैंने हुडी उतारी तो बाल अजीब हो गए, तुम्हें बाल का ध्यान रखना है, वैसे ही कर लो जैसे पहले थे, नहीं तो फिर पहली और दूसरी क्लिप में चेंज हो जाएगा। इस तरह से मैंने हुडी की कैप को पीछे करा, अपनी चेस्ट पे लगाया जहाँ पर मैंने हुडी पहनी हुई थी, वहीं से पकड़ा जहाँ से पहली क्लिप में मैंने पकड़ा था और ऐसे खींचा। अब सीधा तुम्हें यहाँ पर कट लगाना है जहाँ पर तुम हुडी को खींच रहे हो, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ देंगे। अब हमारे पास आ गई हैं दो क्लिप्स, पहली में मैं अपनी व्हाइट हुडी को ऐसे कर रहा हूँ, दूसरी में ब्लू हुडी के साथ अपनी व्हाइट हुडी को हटा रहा हूँ। अब बिल्कुल तुम्हें सही जगह पर कट लगाना है और तुम्हारा ट्रांजिशन बन जाएगा ईजी। एरो की इससे तुम एक एक फ्रेम पीछे जा सकते हो। तो तुम्हें जाना है यहाँ ये वाला, और सी से यहाँ पर कट लगाना है, इसको डिलीट कर देना है, इसको किस कर लेना है पीछे, बस इतना ही सिंपल था। अब सबसे पहला पॉइंट, तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है, हुडी को जितना हो सके जिस पोजीशन में वो पहले थी वैसे ही रखना है, मैंने पूरे अपने ऊपर बिछाई ली थी वो ऐसा ही कुछ करके। तीसरा पॉइंट है, तुम्हें रिएक्ट ऐसे करना है कि तुम्हारी बॉडी हल्की सी हिली है, समझ रहे हो, ऐसे हो गए तुम और रिएक्शन भी आ जाए उसके साथ तो अच्छा लगेगा वो थोड़ा। चौथा पॉइंट, तुम्हें ये मूवमेंट थोड़ा फास्ट करना है, खुद से ही फास्ट करना है, अगर बहुत स्लो होगा तो वो ट्रांजिशन लगेगा ही नहीं। इस तरह से हमारा ये वाइट आ गया, इसके बाद इसको गिराया मैंने, और इसके बाद मेरी हुडी खत्म हो गई थी तो नीचे जो मेरी शर्ट थी मैंने सिर्फ वही पहने रखा और फिर ब्लू वाली हुडी को हटा दिया। बट तुम्हें कट बिल्कुल सही जगह पे लगाना है, जैसे कि इसका फ्रेम लास्ट वाला ये है और ये है, ये देखो लास्ट फ्रेम थोड़े से मैच हो। अबे ये किसकी शक्ल है भाई, जब तुम करोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा, फास्ट मोशन में दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, गुड। अब इसी टेक्निक को तुम यूज करके बहुत तरीके से कपड़ों के साथ ही ट्रांजिशन लगा सकते हो, और वो भी सिंपल कट से।
दिखाता हूँ कैसे। अब मैंने यहाँ पर इस चीज को रिवर्स कर दिया, अब तक मैं उतार रहा था, अब मैं डाल रहा हूँ अपने ऊपर। इस क्लिप में मैं ऐसे अपने ऊपर डालता हूँ हुडी को, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहा हूँ। और जैसे ही मैंने हुडी डाली है अपने ऊपर, तो ये देखो व्हाइट वाली हुडी को पूरा कवर कर रही है, ऊपर से जहाँ पर मेरा हाथ है ये देखो यहाँ पर भी इसकी स्लीव आ चुकी है। तो अगर ये चीज थोड़े से अच्छे से हुई होगी कि पूरी तुम्हारी पिछली हुडी कवर हो चुकी है और नई वाली हुडी अच्छे से आ गई है सिर्फ तुम्हारे ऐसे कर लेने से ही, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ लगेगा। नेक्स्ट वाली क्लिप में मैंने हुडी चेंज कर ली है और बस मैं एक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखो। और तुम्हें भी ये बहुत बार करना है, अपने पैरों को उन्हीं जगह रखना है, हिलना नहीं है वहाँ से। और ये मैंने इतनी बार मारा है यहाँ पर कि अंदर चला गया है भाई, छाती अंदर चली गई मेरी। अब इसमें तुम्हें बिल्कुल सही जगह कट लगा लेने हैं, जैसे कि ये देखो ये लगाया मैंने कट यहाँ और ऐसे। लास्ट फ्रेम इसका ये है और इसका ये है, प्ले करके देख लेते हैं इसको। अब इतने ही एडिट हो रहा है, इसके बीच में मुझे ये भी बताओ तुम प्रीमियम प्रो में एडवांस हो, बिगनर हो या बिल्कुल अभी नो सीखिए हो कि आज ही इंस्टॉल किया है। मैं यहाँ पर तुम्हें पोल दे दूंगा, उस पर टैप कर देना, फिर मुझे पता लग जाएगा कि भाई ज्यादा बंदे कौन से वाले हैं, मैं समझ तो जाऊंगा तुम्हें। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक पर, कपड़ों के साथ ही। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे घूम रहा था कुछ इस तरह। मैं तुम्हें बता दूं मैं कोई डांसर नहीं हूं, बट हाँ ऐसे ऐसे मेरे ट्रांजिशन दिमाग में आते गए तो मैं शूट करता गया। तो इस तरह से तुम घूम सकते हो, एक टर्न लेना है तुम्हें, फिर नेक्स्ट वाली में तुम्हें पहनने ली है अपनी हुडी, दोबारा से 3-4 टर्न लेने हैं बस। जगह वो ही रखे, जगह ना चेंज करें, अपने कदमों को वहीं टिकाए रखें। इसके बाद इसमें भी तुम्हें बिल्कुल सही जगह कट लगा लेना है, बताता हूँ कहाँ पर। ये देखो मैं मुड़ा पीछे गया, मैं पीछे मुड़ा और ये आ गई है दूसरी क्लिप। अब ये इफेक्ट थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कट लगा लेना है। अब 3-4 फ्रेम के लिए इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे जहाँ पर हमारा ट्रांजिशन आ रहा है बीच में, और इनके बीच में लगा देंगे ऊपर वाली लेयर में ट्रांजिशन, क्रॉस डिजॉल्व। क्रॉस डिजॉल्व कैसे मिलेगा तुम्हें, इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पर मिलेगा क्रॉस डिजॉल्व और इसको तुम्हें सेट एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगा लेना है। जैसे तुम दो क्लिप्स के बीच में राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर, और तुम इस तरह से डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगा सकते हो। ये पूरा मैं फेड हो रहा हूँ, यहाँ पर सिर भी देख सकते हो तुम, अजीब लग रहा है थोड़ा। तो मैं इसको कर दूंगा ऊपर वाली क्लिप को नेस्ट। नेस्ट कैसे होगा, राइट क्लिक करना है यहाँ पर तुम्हें और चले जाना है नेस्ट पर और नेस्ट कर देना है। उसके बाद तुम्हें इसे मास्क कर लेना है, यहाँ पर जाना है इफेक्ट कंट्रोल ओपेसिटी में और बस तुम्हें मास्क कर लेनी है अपनी जैकेट, रफ मास्क कर लेनी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से नहीं करना है, बस इसका फेदर बढ़ा देना है। ये बहुत ही रफ कट लग रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने शर्ट और हुडी को मास्क कर लिया है और उनके बीच में लगा दिया है फेड, स्मूथ लगेगा और ज्यादा। देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, और इसके बाद मुझे चक्कर भी आ गया था क्योंकि मैं बहुत बार घूम चुका था, सही में बहुत बार घूम चुका था। आया समझ, कुछ भी समझना आया तो भाई तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब चलते हैं अपने लास्ट इफेक्ट पे, जो कि बस मेरे दिमाग में ऐसे ही आया तो मैंने कर दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पर हुडी थी तो मैंने उसको ऐसे फ्लिप करके अपने ऊपर डालने की कोशिश करी, तो तुम्हें यही करना है फर्स्ट क्लिप में। बट देखो जैसे ये हुडी आ रही है, ये देख रहे हो तुम, देख रहे हो बिल्कुल सही जगह पे कैप बिल्कुल यहाँ पर गई है, हाथ इस तरफ आ गए हैं और मतलब तुम समझ जाओ ये पोजीशन बनानी जरूरी है हुडी की। तो अगर तुम इस चीज को शूट अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और हाँ ये मैंने बहुत बार किया देखो, और ये कभी तो बिल्कुल सही आया ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे नहीं करना है तुम्हें। उसके बाद दूसरी क्लिप में आपको ये करना है, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, हाँ बट मैंने कोशिश की है कि जो हुडी है वो बिल्कुल मेरे सिर के एंड पर रहे और जैसे मैं पीछे हूँ तो ये थोड़ा झटके से पीछे गिर जाए तो ऐसा लगे कि हुडी सामने से आई है, समझ रहे हो, इस तरह से जैसे मैंने किया, झटका सा लग रहा है बट होगा ऐसे ही यार। एंड जब तुम बिल्कुल अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, देखो ये है फ्रेम जब हुडी मेरे ऊपर आ गई और नेक्स्ट क्लिप में हुडी मैंने पहन ली। यहाँ पर भी हमने वो ही करा है, नेस्ट कर दिया है और दोनों क्लिप के 2-4 फ्रेम के बीच में क्रॉस डिसॉल्व लगा दिया है। एंड अब इसको प्ले करके देख लेते हैं,
बाकी तुम बताओ तुम्हें ये चार ट्रिक्स कैसी लगी। अगर तुम सीख रहे हो और तुम भी कुछ ऐसा बनाते हो खुद तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना भाई, मैं भी तुम्हारी क्रिएटिविटी देखना चाहता हूँ। अगर तुम इससे अच्छा कर सको कुछ टैग करो, मुझे सिखा दो, मैं ट्राई करूंगा इसको थोड़ा सा रॉ डालूं जिससे तुम समझ पाओ मेरी बातें, और यहाँ पर हम ऐसे ही डालेंगे। और बस यही था आज की वीडियो में। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कोई फेवरेट इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन ट्यूटोरियल नेक्स्ट। वैसे मैंने इस वीडियो में ट्यूटोरियल के अलावा बहुत कुछ बता दिया कि आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है, तो ये वीडियो बाकियों के साथ शेयर करें। बाकी अपने दोस्तों के साथ जो फोटो या वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं मेरे से कॉन्टेक्ट करवाएं, उनका मेरे से बात करवाएं, और इसी तरह हमारी फैमिली से जुड़े रहें। और वो दिख रहा है पीछे, उसको गोल्डन कलर का कर दें, स्प्रे से नहीं, सब्सक्राइब कर करके। तो अगर तुम चाहते हो कुछ भी सीखना कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसी पर वीडियो बना देंगे। इस चैनल पर तो मैं यूट्यूब के सर्वर बनने आया हूँ भाई। वो हुआ करे थे ना टीचर क्लास में, बेटा एक बार समझ नहीं आया तो चाहे 1000 बार पूछ ले। तो अगर आपको भी कुछ समझना है तो वीडियो को 1000 बार देख लेना। बाकी तुम्हें पोल दिख रहा होगा, इस पे जरूर टैप करना, तुम कहाँ से आए हो, क्या सीखना चाहते हो। मैं बहुत बकवास करता हूँ, बाय।